नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल और आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। जब तक धरातल की बात ना हो तब तक हिंदुस्तान की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान में जमीन से जुड़े लोग सबसे ज़्यादा हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसान हैं। अगर किसान की बात नहीं होगी और सही बात कहो तो किसान की हित की बात नहीं होगी, क्योंकि बात तो बहुत करते हैं लेकिन हित की बात बहुत कम लोग करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये यहाँ सरसों का खेत है, सरसों के खेत में अपना सरसों को काट करके इकट्ठा लोग कर रहे थे, किसान इकट्ठा कर रहे थे, तो उनको देखकर हम रुक गए। तो उनसे जानते हैं कि सरसों के रेट क्या हैं, या फिर सरसों के समीपवर्ती जो फसलें हैं उनके क्या रेट हैं, किस हिसाब से फसलें पकती हैं, कितना उनके बाद रेट मिलता है, सरकार से क्या योगदान मिलता है कि नहीं मिलता है। पूरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपके साथ हम करवाएंगे। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान जी। क्या नाम है आपका? बाबू जी, प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल सिंह जी, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम लाया की गेहूँ की। किस चीज़ की? सरसों। अच्छा, लाया मतलब सरसों। सरसों और गेहूँ। तो क्या रेट बिकती है सरसों आपकी, गेहूँ आपका? साहब रेट तो कोई सस्ता है तो कोई है नहीं कोई। अच्छा, घटते बढ़ते रहते हैं। फिलहाल कितना चल रहा है? फिलहाल 3500 तो ये ठीक है या कम है? रेट कम है। कम है, कितना होना चाहिए? कम से कम 4000-4200 होना चाहिए। कम से कम 4000 किसान। और जगह कितने, जैसे कि राजस्थान में बढ़ा दिया उन्होंने? राजस्थान में 4200 के रेट हैं। 4200 के रेट हैं। हमारी यूपी में 3200-3300 चल रहा है। अच्छा, तो योगी जी से क्या चाहोगे? योगी से ये कि हमको भी उसी रेट पर, हमें उसी तरह रेट मिलना चाहिए। जी बाबू, क्या नाम आपका? तो ये बता रहे थे कि आप अपने इलाके के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। हाँ, ऐसी तो कोई बात ना, और लोग और ये तो आपका बड़प्पन हुआ। तो मोस्टली यहाँ पर किसानों की क्या समस्याएं हैं? समस्या भैया सबसे बड़ी तो गाय की है। मतलब हमारा किसान गाय जो परेशान है, आवारा जो पशु हैं, गाय की वैरायटी ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरी रात किसान खेत पर ही रहता है। मतलब जो योगी जी ने गायों को काटने पर प्रतिबंध लगाया है, उससे गायों का घूमना बढ़ गया है। इसके तो हम सहमत में कि गाय न कटें, लेकिन उनकी कोई उचित व्यवस्था ऐसी हो जिससे हमारे किसानों को गौशाला बनाई जाए, या इन लोगों पे अपना नियंत्रण अपनी अपनी को अपने घर रखें। इस प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी हो किसानों पे भी अंकुश लगे कि अपनी को अपने घर रखें। दूध पी लेते हैं हम ही छोड़ देते हैं, हमारी यहीं, किसी और की तो नहीं है, लेकिन इससे परेशान। अच्छा, बाकी कोई और समस्या गायों के अलावा, जैसे कि आवारा पशु फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा खाद की, पानी की, या फिर बिजली से सप्लाई करते हो पानी? ना, बिजली खूब मिल रही है। बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया जी। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया। सड़क भी व्यवस्था ठीक है। खाद की व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया, मतलब सब चीज़ बढ़िया है, केवल अगर आवारा पशुओं को रोक दिया जाए तो किसान ठीक है, उसके बाद फिर रेट पर बात पहुँचती है। अब रेट थोड़े कम है महंगाई के हिसाब से, उस हिसाब से समर्थन मूल्य पे गेहूँ बिकता है। अच्छा, बिकता है? हाँ, समर्थन मूल्य पे गेहूँ खुद बिकता है हमारे, एमएसपी में बिकता है। नहीं तो शिकायत ये रहती है कि एमएसपी गवर्नमेंट लगा तो देती है, लेकिन उस पर गेहूँ सरकार उठाती नहीं है। नहीं, पूरा गेहूँ ना उठता, और हर 10 दिन में हर एक किसान का पेमेंट। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई, और सभी का गेहूँ तुला है सेंटर पे, सबको पेमेंट हो गया, कोई किसान बाकी नहीं रहा। जो अपना बुराई करे वो एक बात अलग है। जी, आपका क्या नाम है भाई? समय सिंह जी। जी जी, आपको क्या लगता है, जैसे आप बता रहे हैं कि समस्या है, गाय की समस्या है जो फसलों खा रहे हैं, इसके बाद लोग जो एरिया के लोग हैं सरकार से कितने नाराज हैं, और चुनाव सर पे हैं, तो चुनाव की पृष्ठभूमि में जब हम चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं, तो क्या एक बार से फिर से मोदी जी को मौका दिया जाएगा, या फिर किसी और को चुनाव? नहीं, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, और लायक आदमी, योग्य प्रधानमंत्री है, और ये देश का भविष्य भी यही है, और किसी पार्टी में आज देश का भविष्य नहीं। हम लोग किसान हैं, आलू के किसान हैं, करीब मेरे पे 12 एकड़ आलू है। हम लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ आलू पे या तो किराए पे सब्सिडी दे हम लोगों को। 12 एकड़ मतलब लगभग 60 बीघा, 15,000 कट्टे लगभग। अब इतना तो नहीं है। अच्छा, तो या तो हमको कुछ 3,000 कट्टे, या तो हम लोगों को सब्सिडी जो दे किराए में,
अच्छा। या गवर्नमेंट कोई अपना खरीदारी करे। वैसे टोटल मिला के किराया, मतलब हम दर्शकों को समझा दे, किराया मतलब जहाँ पर ये जहाँ कोल्ड स्टोरेज ले जाने के बाद एक जगह आलू रखे जाते हैं, जहाँ पर इनसे किराया ले, कितना किराया ले जाता है? 130 रुपये एक पैकेट का, 50 किलो। 50 किलो का। तो ये चाहते हैं कि वो जो किराया हम देते हैं, या तो गवर्नमेंट अपने ही लगा दे गोदाम की, यहाँ पर लाओ किसान, जब तक उसका नहीं बिकराया हम उसको सेफ्टी देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सब्सिडी दे के 130 में से कुछ गवर्नमेंट उठा ले, कुछ किसान खुद उठा ले। हाँ, या जैसे पिछले साल इन्होंने घोषणा की थी खरीदारी की, कोई खरीदारी की व्यवस्था करें। अभी जैसे पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा है तो पाकिस्तान जाने से आलू रोक गया है, तो आलू और डाउन हो रहा है। इससे तो हम खुश हैं कि इस पाकिस्तान को जो है नकेल कसी जानी चाहिए, ये तो हम इसके तो पक्ष में हैं। और ये मोदी ने जो भी स्टेप उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, और थोड़ा लेट उठाया है, पहले उठना चाहिए था। पहले उठना चाहिए ऐसा, कम से कम 5 साल पहले। सबसे पहले इन उग्रवाद ही जो है इस देश का जो है वो है दुश्मन, उग्रवाद दुश्मन। हाँ, जब शांति होगी तो सारी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक सुचारू चलेंगे। जी, आपके हिसाब से दोबारा आएंगे मोदी जी? मोदी जी 100% आएंगे, 100% जी। आपके ना आपके हिसाब से? हाँ, अब की बार हाँ, दोबारा मोदी जी। तो वैसे जैसे गठबंधन हो गया है, यूपी में भी हो गया है, बाहर भी गठबंधन हो रहे हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कुछ नहीं, तो फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो चोर इकट्ठे हो गए, ये तो चोर इकट्ठे हो गए। यूपी में कुछ अंतर आ सकता है, बाकी करता हूं इधर से फोन 5 मिनट। ये चोर इकट्ठे हो गए, सारी जनता जानती है देश की, ये कुछ नहीं नहीं होने वाला। ये तो चोर है, ये सत्ता के भूखे हैं इन्हें। ये कांग्रेस तो कर सड़ चुकी है, और 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है आपके साथ? नहीं, देश में इस समय मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी भैया, क्या नाम है आपका? लखनी चंद जी, आप युवा हैं तो नरेंद्र मोदी ने, आगे आ जाओ। नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल जी, तो आपके हिसाब से जो मोदी सरकार है उस वादे पर कितनी खरी उतरी? बिल्कुल 100% उतरी है, पर जो है ना कि आजकल जो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या है ना, उसमें 20,000 और 1 लाख से कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैकेंसियाँ और होनी चाहिए, युवा आज के युवा हैं बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। तो दोबारा वोट किसको करोगे फिर? नहीं, मोदी को ही करेंगे, वोट मोदी को ही करेंगे। ठीक है, तो जी भैया आपका क्या नाम है? तारे चौधरी साहब, सरकार से कितनी नाराजगी है या फिर कितने खुश हैं? कुछ उम्मीदें जो पूरी ना हो पाई हो अब इस बार करना चाहते हो, या फिर किसी और सरकार को लाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसी सरकार से उम्मीद है। बस ये भर्ती थोड़ा लेट आती है हमारे यहाँ पे, वैकेंसी हमारे यहाँ पे मथुरा के लिए दी जाती है आर्मी की 1 साल में, और राजस्थान में हमारे यहाँ पे यार डी क्षेत्र में हो गए 6 महीने में भर्ती है आर्मी की। हमारे यहाँ पे बस यही है कि 1 साल में भर्ती क्यों दे रखी है आर्मी की? हमारे यहाँ पे बच्चे भी बहुत हैं, हमारे यहाँ कंपटीशन भी ठीक है, कंपटीशन हार्ड है हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे भर्ती 6 महीने में क्यों जाए, बस यही। हमने आपको किसानों से बात कराई, किसानों से मुद्दों पर बात हुई, किसानों के मुद्दे पर बात हुई, इसके बाद राष्ट्र के मुद्दे पर बात हुई, पाकिस्तान तक जा पहुंची, सीमा के विवाद पर बात हुई, और साथ साथ हमने आपके चुनाव के दहलीज पर खड़े चंद कदम दूर जो हम चुनाव से दूर हैं उस मुद्दे पर भी बात हुई। तो सब ने अपनी राय रखी, और यहाँ से उन्होंने एक बार फिर से केंद्र की सीढ़ी पर, केंद्र के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी को फिर से बैठा दिया। तो ऐसी और रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपको पता लगे। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया, धन्यवाद।